चंद्रपूर जिल्ह्यातील महत्त्वाचं रेल्वे स्थानक असलेल्या बल्लारपूर येथून मजूर स्पेशल गाडी बिहार झारखंडच्या दिशेनं रवाना होण्याच्या 12 तासांच्या आतच त्याचे वेगळे परिणाम दिसू लागले. या रेल्वे स्थानकापासून केवळ काही किलोमीटर अंतरावर असलेल्या चंद्रपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय इमारत बांधकाम सही कामावर असलेले मजूर अचानक महामार्गावर येऊन आंदोलन करू लागले. चंद्रपूर बल्लारपूर वळण मार्गावर ही नवी इमारत होऊ घातली आहे. प्रख्यात बांधकाम कंपनी शापूरजी पालनजी यांच्याकडे बांधकामाचं कंत्राट आहे. इथले बांधकाम 1.5 महिन्यांपासून बंद आहे. मात्र इथला मजूर वर्ग काम नसल्यानं व मजुरी मिळत नसल्यानं संतापलाय. सोबतच कंपनीनं आश्वासन दिलेले राशन देखील अदा झालेले नसल्यानं या संतापात भर पडली आहे. आज सुमारे 1500 बांधकाम मजूर अचानक चंद्रपूर हैदराबाद महामार्गावर आले व त्यांनी काही काळ महामार्ग रोखण्याचा प्रयत्न केला. घटनास्थळी तातडीनं पोलीस व महसूल विभागाचे अधिकारी दाखल झाले. सोबतच वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉक्टर मोरे यांनी देखील मजुरांना समजवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गेल्या 1.5 महिन्यात कंपनीतर्फे केवळ आश्वासने दिली गेली आहेत, त्यामुळे आमच्या गावी जाण्यासाठी आम्हाला मुभा द्या अशी मागणी या कामगारांनी केली आहे. काम नाही, मजुरी नाही, राशन नाही, यापेक्षा गावाकडे कुटुंबासोबत राहू असा नारा त्यांनी लावलाय. दरम्यान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या कामगारांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेत त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केलाय. देश व राज्यातील मजूर लॉकडाऊन झाल्यावेळी जैसे थे परिस्थितीत होते, मात्र लॉकडाऊन 3 च्या प्रारंभी मजूर स्पेशल रेल्वे गाडी धावू लागल्यानं या मजुरांना आता पुढे नवा पर्याय दिसू लागलाय. यामुळे अचानक ही परिस्थिती उद्भवली आहे. चंद्रपूरच्या रामनगर पोलीस ठाण्यात आता या सर्व कामगार व प्रशासनाची एक बैठक उघडली असून त्यात यासंबंधी तोडगा अपेक्षित आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येत कामगार अचानक रस्त्यावर आल्यानं बिकट परिस्थिती उद्भवली होती, मात्र पोलिसांनी वेळेच कारवाई करत संयमनं स्थिती हाताळली. सर, हम लोग यहाँ पे 4 महीने से रह रहे हैं और हम लोग मतलब जो है यहाँ पे 4 महीने से काम कर रहे हैं. कुछ पैसे लेकर आए थे घर से, लेकिन हम लोग रहने वाले बिहार से हैं और कटिहार ज़िले के हैं. और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि मतलब कोई बंगाल के हैं, कोई यूपी के हैं, कोई झारखंड के हैं. तो बहुत ही लोग यहाँ पर परेशानी में हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब जितने भी लोग आए हुए हैं किन्हीं को हिसाब किताब नहीं मिला है. और यहाँ पे जितने भी दिन लॉकडाउन रहा तो यहाँ के स्टाफ कहने लगा कि नहीं, जितना दिन भी दिन लॉकडाउन रहेगा उनका हाजिरी भी मिलेगा और उनको पैसे भी दिया जाएगा घर भेजने के लिए जिसको परेशानी है. तो हम लोगों को अब तक कुछ नहीं मिला है. तो एक बार कंपनी मतलब जो है कहने लगा कि मतलब 3,000 रुपये दे रहे हैं हम बंदों को कि घर भेजने के लिए, उनके समस्याओं को दूर करने के लिए. तो वो भी पैसा हम लोगों को नहीं मिला है. और हम लोग मतलब जो है साइन करवा लिया है हम लोगों से और उनका पैसा जो है ठेकेदार को मिला या कंपनी खुद खा गई उनका हमको कोई पता नहीं. अभी हम लोग बहुत परेशानी में है, खाने के दिक्कत में है. और हम लोगों का बीवी बच्चा मतलब जो भी है परिवार के लोग वहाँ पे गांव में मतलब जो है रह नहीं पा रहे, क्योंकि खर्चा पानी नहीं उनके पास, कैसे जिएंगे वो लोग को वैसे भूखे मर जाएगा. अभी मांग ये है कि हमको यहाँ पे मतलब जो है पेमेंट होनी चाहिए और हम सबको मतलब जो है घर भेजने का सुविधा दिया जाए. सर, हम लोग के परेशानी यही हो रहा है कि 2 महीना से रखे हैं यहाँ पे, कोई हेल्प नहीं हो रहा है. हम लोग के बोले राशन भी देंगे, राशन भी नहीं मिलेगा, पेमेंट भी नहीं मिल रहा. जो भी बैठे हैं बोले पेमेंट देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. राशन तक भी नहीं दे रहा है, जो भी अपना पैसा से खा रहा है. सर, काम जब नहीं करे तो कहाँ से इतना पैसा आएगा. कंपनी पेमेंट 2 महीना से नहीं दिया है.